राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए आईपीएल के मुकाबले में एक ऐसा वाकया देखने को मिला जो 12 साल में कभी नहीं हुआ। दुनिया भर में कैप्टन कूल के नाम से जाने जाने वाले सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पहली बार अपना आपा खो बैठे। आपको बता दें कि राजस्थान ने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के सामने जीत के लिए 152 रन का लक्ष्य रखा था। पारी के आखिरी ओवर में सीएसके को जीत के लिए 18 रन की दरकार थी। ऐसे में अंतिम ओवर में रविंद्र जडेजा के साथ बल्लेबाजी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी 57 रन बनाने के बाद स्टोक्स की शानदार यॉर्कर पर हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश में बोल्ड हो गए और ऐसे में चेन्नई को जीत के लिए 3 गेंदों में 8 रन की दरकार थी। इसके बाद जो स्टोक्स ने सेंटनर के सामने जो गेंद फेंकी वो बेहद नाटकीय पल बन गया। दरअसल स्टोक्स ने सेंटनर के सामने फुल टॉस गेंद फेंकी जिस पर उन्होंने शॉट खेलकर 2 रन लिए, लेकिन इससे पहले सबको लगा कि ये बॉल नो बॉल है। अंपायर ने पहले तो इस गेंद को नो बॉल करार देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बाद में हाथ वापस खींच लिया। ऐसे में मैदान पर कंफ्यूजन पैदा हो गई। सबको लगा कि चेन्नई के लिए नो बॉल वरदान साबित होगा, लेकिन जब मैदान में उपस्थित दोनों अंपायरों ने कहा कि ये नो बॉल नहीं है तो गुस्से में आग बबूला धोनी, जडेजा और सेंटनर का साथ देने मैदान में पहुंच गए और साथ ही गुस्से में अंपायर से बहस भी की। और जब उस गेंद को नो बॉल नहीं दिया गया तो गुस्से में मैदान के बाहर चले गए। ऐसा धोनी के करियर में पहली बार देखा गया जब धोनी आपा खो बैठे हों। वो नियमों के खिलाफ बीच मैदान पर एम्पायरों से बहस करने पहुंच गए। धोनी ने अपने करियर में पहली बार ऐसी हरकत की है जिसे देखकर हर कोई अचरज में पड़ गया। लेकिन अंतिम गेंद पर सेंटनर ने छक्का जड़कर चेन्नई को 4 विकेट से जीत जरूर दिला दी। अगर इस विवादित निर्णय की वजह से सीएसके को हार का सामना करना पड़ता तो ये बात बहुत आगे तक जाती। धोनी की इस हरकत के लिए उन पर 50% का जुर्माना ठोक दिया गया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि कैप्टन कूल धोनी पहली बार कैप्टन एंग्री के भेष में आए। आपकी इस खबर पर क्या राय है अपना जवाब हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कीजिए।